गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास. टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन इन अवर डेली लाइफ. नाउ न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन वी विल डिस्कस हियर. न्यूट्रलाइजेशन इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस विच फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड वाटर. न्यूट्रलाइजेशन है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. एसिड बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, और इस वजह से जो नया प्रोडक्ट बनता है वो होता है न्यूट्रल नेचर का, ना एसिड ना बेस. इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. नाउ इसी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है. वी हैव लर्नड दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस. वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार. इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थेलिन. नाउ न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन में जो इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया है, इसमें हमने जिस इंडिकेटर को यूज़ में लिया है उसका नाम है फिनोफ्थेलिन. फिनॉल प्लस थिलीन, फिनोफ्थेलिन. फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर का यूज़ किया गया है यहाँ पर. फिनोफ्थेलिन नेचुरल इंडिकेटर नहीं होता है, यह सिंथेटिक इंडिकेटर होता है. इट इज़ मेड इन फैक्ट्रीज बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स. सो एज इट इज़ मेड बाई मैन इन फैक्ट्रीज, सो इट इज़ ए सिंथेटिक इंडिकेटर. सो हियर इन दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी 5.5, वी आर यूजिंग सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोफ्थेलिन. हम इस एक्टिविटी में 5.5 में फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, और इस एक्टिविटी में हम जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे. नाउ एक्टिविटी 5.5 टू बी डेमोंस्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. इट इज़ द प्रिकॉशन. नाउ फिल, व्हाट वी हैव टू डू, फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नोट डाउन इट्स कलर. नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन ऑल्सो. एड 2 to 3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Now what you have to do? आपको एक test tube लेनी है और उसको 1/4 उस test tube को आपको dilute hydrochloric acid से भरना है. 1/4 test tube को आपको dilute hydrochloric acid HCl से उसको fill करना है. 1/4 test tube को, ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको कलर नोट करना है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ट्रांसपेरेंट होता है, कलर में कलरलेस होता है. ओके, उसका कोई कलर नहीं होता है स्पेसिफिक, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो आपने 1/4 टेस्ट ट्यूब को हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डाल दिया. नाउ अब आपको फिनोफ्थेलिन की 2-3 ड्रॉप्स जो हैं उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालनी है. 2 से 3 ड्रॉप फिनोफ्थेलिन डालना है. फिनोफ्थेलिन का कलर भी आपको देखना है. फिनोफ्थेलिन भी ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है वो, ठीक है. तो आपने एसिड लिया, उसमें 2-3 बूंदें फिनोफ्थेलिन की डाल दी. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. अब आपको टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, अच्छे से हिला देना है, ठीक है. उसके बाद में डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड. क्या आपको कोई कलर में चेंज नज़र आएगा? नहीं, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है. फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर डाला आपने एसिड में, कोई चेंज नहीं होगा कलर, वो एज इट इज़ रहेगा. नाउ ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर. अब आपको क्या करना है, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, और उसमें थोड़ा सा सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है नेचर में, जैसे HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो लिक्विड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है. थोड़ा सा आपको स्पून से दूसरी टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और थोड़ा थोड़ा उसमें पानी मिलाकर उसको शेक करना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है. अब आपको ड्रॉपर की सहायता से ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय ए ड्रॉपर. और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप जो है ड्रॉपर की मदद से वो HCl और वाटर वाली टेस्ट ट्यूब में, जिसमें आपने HCl
और HCl और फिनोफ्थिलीन डाला था, उसमें आपको एक बूंद जो है NaOH सॉल्यूशन की डालनी है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, तो आपको एक ड्रॉप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की उसमें डालनी है। नाउ नेक्स्ट है स्टेट द टेस्ट ट्यूब जेंटली, आप स्टेयर का मतलब उसको हिलाओ, उसको अच्छे से हिलाओ टेस्ट ट्यूब को। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और देखिए क्या NaOH डालने से सॉल्यूशन में कोई चेंज आया। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टेयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। आपको क्या करना, एक एक बूंद जो है ड्रॉपर की सहायता से NaOH की डालनी है उस एसिड और फिनोफ्थिलीन वाले सॉल्यूशन में, और एक एक बूंद डालनी है एकदम ध्यान से, ज़्यादा आपको ड्रॉप नहीं डालनी है NaOH की। और आपको वो पॉइंट नोट करना है, जब जैसे ही आप ड्रॉप डालोगे NaOH की आपको पिंक कलर मिलेगा, पिंक कलर आपको मिल जाएगा। आप जैसे पिंक कलर मिला वो आपको नोट करना है कि आपको किस कितना ml NaOH डालने पर आपको पिंक कलर मिल रहा है। ये ऐसे ये पिंक कलर क्यों मिला, पिंक कलर जो है फिनोफ्थिलीन जो इंडिकेटर है वो बेस के साथ NaOH बेस के साथ पिंक कलर देता है, पिंक कलर, ठीक है। नाउ एड वन मोर ड्रॉप ऑफ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। जैसे आपको पिंक कलर मिला आप उसमें एक बूंद HCl की दोबारा डाल दो तो आप देखोगे दोबारा उसका पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, दोबारा कलरलेस हो जाएगा, वो अगेन कलरलेस हुआ। नाउ अगेन एड वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दोबारा आप एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डालिए। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर। जैसे आप NaOH की दोबारा एक बूंद डालोगे दोबारा पिंक कलर मिलेगा, फिर अगेन रिपीट HCl की डालोगे कलरलेस हो जाएगा, NaOH की डालोगे पिंक कलर मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोफ्थिलीन गिव्स अ पिंक कलर, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। इसका मतलब ये है जो आपने सॉल्यूशन बनाया है एसिड ऑफ फिनोफ्थिलीन डाला उसके अंदर बेसिक बेस आप डाल रहे हो, क्योंकि फिनोफ्थिलीन एसिड के साथ तो कलरलेस रहेगा, कोई कलर देगा ही नहीं तो कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही आप बेस डाल रहे हो और वो पॉइंट पहुंच रहा है कि अब उसमें एसिड और बेस की तुलना में बेस की मात्रा ज़्यादा है तो वो इंडिकेटर जो है पिंक कलर देगा NaOH के साथ। और जैसे ही आप दोबारा HCl की बूंद डालते हो तो सॉल्यूशन में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इस वजह से फिनोफ्थिलीन दोबारा कलरलेस रंग देता है और कोई कलर नहीं देता। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो एसिड बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर रहा है और बेस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ओके नाउ सो इन दिस प्रोसेस, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हियर यू आर सीइंग दैट एसिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस एंड बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। ओके नाउ When an acidic solution is mixed with a base solution, basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. Yes, जब आप दोनों को बराबर मात्रा में मिला देते हो जो solution बनता है वो ना acidic होता है ना basic होता है, क्योंकि acid base के effect को ख़त्म कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, और इस वजह से दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ना एसिड ना बेस, और इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। नाउ टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, गर्माहट बाहर निकलती है, इसलिए जब कभी एसिड बेस को आप मिक्स करोगे तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकली है। सो द इवॉल्व हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और इस वजह से जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में
एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन, उसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है और इसको बोलते हैं सॉल्ट, सॉल्ट बनता है. सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज. सॉल्ट बनता है, इसका नेचर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल भी हो सकता है और ये केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन कहलाती है. नाउ द रिएक्शन बिटवीन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाउ कैन वी डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिवन इन दिस पैराग्राफ. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट. इसमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं और साथ में हीट बाहर जो है हीट इवॉल्व होती है. ठीक है, सो इस केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम लिखेंगे, इसको हम रिएक्शन के रूप में इस तरह से लिखेंगे. एसिड प्लस बेस रिएक्शन के रूप में अगर हमें न्यूट्रलाइजेशन को लिखना है तो हम लिखेंगे एसिड प्लस बेस, एरो का निशान. एरो का निशान ये बताने के लिए कि रिएक्शन से पहले हमने एसिड बेस लिया था, रिएक्शन के बाद में क्या बना वो एरो लगाकर हम बताते हैं. रिएक्शन के बाद में बना सॉल्ट और साथ में पानी बना, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ और हीट इज इवॉल्व्ड. इवॉल्व्ड का मतलब होता बाहर निकलना, साथ में हीट भी बाहर निकली, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई इस दौरान. ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल. यहाँ न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल बताया गया है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस HCl को मिक्स किया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ. एरो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड. NaCl उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का. NaCl बनेगा साथ में प्लस वाटर बनेगा, वाटर हैविंग फार्मूला H2O. तो ये एक एग्जांपल है कि HCl में जब हम NaOH मिलाएंगे तो NaCl बनेगा, साथ में वाटर बाहर निकलेगा. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन. नाउ वुड यू ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल. वो जो ना हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड में लाइम वाटर मिलाया है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है और लाइम वाटर बेस है, दोनों की रिएक्शन होगी. ठीक है, तो क्या होगा रिएक्शन, जो रिएक्शन मिक्सचर होगा अगेन इट बिकम्स हॉट. ओके, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन होगी एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन होगी. सो ये थी न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन. तो एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल और हीट बाहर निकलती है. नाउ नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी दिन हर दिन की लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज़ में आती है डेली लाइफ में, उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है. नाउ फर्स्ट इनडाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन को हम इनडाइजेशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं. आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड. हम सभी को पता है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत ज़रूरी है. ये HCl जो खाने में जो बैक्टीरिया होते हैं एक तो उनको मारता है, दूसरी बात HCl पेप्सिन एंजाइम को एक्टिविटी करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सूटेबल एटमोसफेयर देता है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम केवल एसिड की प्रेजेंस में ही अपना काम करता है. इसलिए HCl उसको एसिडिक एनवायरनमेंट देता है जिससे कि हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो सके. ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है. तो बेटा हमारा स्टमक HCl कंटेन करता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है. एज यू हैव लर्न इन चैप्टर टू, आपने चैप्टर टू में भी पढ़ा है. बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन. लेकिन अगर ये HCl एक लिमिट से ज़्यादा सिक्रीट होने लगे तो उसे इनडाइजेशन हो जाएगा, इनडाइजेशन होने लगेगा. समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल. टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड. कभी कभी इनडाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है और इस इनडाइजेशन से रिलीव पाने के लिए हमें कोई ना कोई बेस लेना पड़ता है,
डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एंटा एसिड टैबलेट लेने के लिए या कोई भी ऐसा सिरप देते हैं जिसमें बेस प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट जो भी बेस है, ये हमारे जब हम इसको लेते हैं ये स्टमक में पहुंचता है तो एक्सेस जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, क्योंकि बेस है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देगा, ख़त्म कर देगा उसके इफ़ेक्ट को, और उसके बाद में हमें फिर अच्छा लगता है, रिलीफ फील होता है। सो इट न्यूट्रलाइजेज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। सो इस तरह से हमारे स्टमक में भी हम न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में इंडाइजेशन जब हम होता है तो न्यूट्रलाइजेशन उस दौरान होता है। नाउ नेक्स्ट है आंट बाइट। आंट बाइट, व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। देखो, जब कभी ऐसा होता है कि आंट हमें बाइट कर जाती है, आंट हमें काटती है, तो हमें इरिटेशन होता है, इचिंग होती है और स्किन में उस जगह एकदम रेडिश हो जाती है स्किन। क्यों? क्योंकि ऐसे आंट जो है फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है वहाँ पर, क्योंकि आंट के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। सो दैट आंट लिबरेट्स फॉर्मिक एसिड एट दैट प्लेस, सो वी फील इचिंग। नाउ अब इस एसिड के इफ़ेक्ट को अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें उस जगह कोई बेस लगाना पड़ेगा जिससे कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, न्यूट्रल कर दे। सो हम वहाँ पर कोई ना कोई बेस लगाते हैं, या तो हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा उस जगह रब कर दें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब भी हमें अच्छा लगता है, रिलीफ फील होता है। या हम कैलामाइन सॉल्यूशन को एक ट्यूब लगा दें जिसमें कैलामाइन सॉल्यूशन प्रेजेंट हो, कैलामाइन सॉल्यूशन उसमें रब करें, क्योंकि कैलामाइन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट एक बेस है जो कि उस एसिड को ख़त्म कर देता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। सो इन दिस वे आंट बाइट के समय भी हम अगर हमने कोई बेस वहाँ पर रब किया है तो हम न्यूट्रलाइजेशन के इफ़ेक्ट को समझ सकते हैं। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन का, सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide or slaked lime, calcium hydroxide. If the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases acid which neutralizes the basic nature of the soil. Now soil treatment kya hota hai? Koi bhi farmer jab kheti karta hai ya koi bhi gardener kheti karne ki sochta hai कोई सब्जी वगैरह उगाने की, तो सॉइल ट्रीटमेंट किया जाता है। जो सॉइल है उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो वहाँ पर बेस मिलाने से उस मिट्टी की एसिडिटी ख़त्म की जाती है। बेस क्या हो सकता है? बेस चूने का पत्थर हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ड लाइम, ठीक है, यानी चूने क्विक लाइम हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का पत्थर या स्लैक्ड लाइम, ठीक है, चूने के पत्थर में पानी मिलाकर भी डाला जा सकता है मिट्टी में, जिससे कि मिट्टी की एसिडिटी ख़त्म हो सके और बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ना, उस सॉइल में हम आसानी से फिर खेती कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मिट्टी में बेस ज़्यादा प्रेजेंट है, बेसिक है मिट्टी, तो उसमें कुछ एसिड मिलाए हम, एसिड ऐसे तो नहीं मिला सकते हम, उसमें क्या मिलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं, कंपोस्ट मिलाते हैं, और कंपोस्ट के अंदर एसिडिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में एसिड होता है जिससे कि वो मिट्टी के बेसिक नेचर को ख़त्म कर देता है, और वो मिट्टी कैसी हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, ना एसिड ना बेस, अब वो मिट्टी किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सुटेबल होती है। तो सॉइल ट्रीटमेंट के समय भी हम अगर मिट्टी एसिडिक है तो हमें बेस मिलाकर उसके एसिडिक नेचर को ख़त्म करेंगे, और मिट्टी अगर बेसिक है तो उसमें एसिड मिलाकर उसके बेसिक नेचर को न्यूट्रल करेंगे। ओके, नाउ द लास्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट्स ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज्ड बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। देखो, फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं
जो फैक्ट्री जो भी फैक्ट्री है उसके जो वेस्ट निकलता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसमें बहुत सारा एसिड प्रेजेंट होता है। अगर उनको बिना न्यूट्रल किए हुए पानी में ऐसे ही बहा दिया जाएगा फैक्ट्री वेस्ट को, तो क्या करेंगे, पानी को भी एसिडिक बना देंगे। और ऐसा पानी जब एक्वेटिक एनिमल्स पिएंगे, स्पेशली फिशेस पिएंगी, तो वो एसिड से मर जाएंगी, एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, फैक्ट्री वेस्ट को सबसे पहले न्यूट्रल बनाना होगा। उस फैक्ट्री वेस्ट में बेस मिलाओ कि जिससे कि वो फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रल हो जाए। बेस मिलाने से उसका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए, और न्यूट्रल होने के बाद में बेसिक सब्सटेंसेस मिलाकर वो न्यूट्रल हो जाता है। फिर चाहे उसको पानी में या उसको डंप कर दो, तो कोई भी वाटर बॉडीज़ या मिट्टी जो है ख़राब नहीं होगी। तो फैक्ट्री वेस्ट को पानी में मिलाने से पहले, वाटर बॉडीज़ में मिलाने से पहले न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ सेफ रहे। ठीक है, तो सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स इन विच वी कैन ऑब्जर्व न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन इन आर डेली लाइफ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन। नाउ गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम केयरफुली, ओके, एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।